सेक्शन नंबर 114 का सब सेक्शन 6 ए। अच्छा जी, और हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें है जी कि इफ़ अ टैक्स पेयर फाइल्स आर रिवाइज रिटर्न वॉलेंटरीली। ठीक है, तो इसमें तीन चार ऑप्शंस हैं कि एक जो टैक्स पेयर है वो अगर अपना रिटर्न जो है, जो बेसिकली रिवाइज रिटर्न है, उसको वॉलेंटरीली अगर फाइल कर देता है, या दो दीगर दो केसेस नीचे डिस्कस हुए हुए हैं जिसमें उसको नोटिस आने से पहले और नोटिस आने के बाद जो है उसको कितना कितना फ़ाइन जो है वो अदा करना पड़ता है, तो ये चीज़ डिस्कस हुई हुई है। तो अगर तो एक बंदा वॉलेंटरीली अपना रिटर्न, पहला जो है 6A की पहली लाइन जो है, वॉलेंटरीली एक बंदा अपना रिटर्न फाइल कर रहा है और जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड थी और अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट टू बी एवेडिड थी, यानी जो उसने कम टैक्स पे किया हुआ था या कम शो किया हुआ था, तो उसको अब वो पे कर देता है साथ रिवाइज रिटर्न के साथ, तो उस सूरत में अलॉन्ग विद द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। ठीक है, तो एक तो वो जो रिमेनिंग टैक्स है उसकी पेमेंट करेगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को पे नहीं किया, जैसे बिजली का बिल पे नहीं करते तो उसके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। ठीक है, ये जुर्माना भी कह सकते हैं या आप इसको लेट फी भी कह सकते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी आप इसके साथ जो है वो पे करेंगे। वेन एवर इट कम्स टू हिज नोटिस बिफोर रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 177 और सब सेक्शन 9 ऑफ 122, नो पेनल्टी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो इस बंदे के ऊपर पेनल्टी क्या होती है? पनिशमेंट या सज़ा। तो पेनल्टी कोई नहीं होगी इस बंदे के ऊपर, लेट फी देगा प्लस जो टैक्स पेबल था वो अदा करेगा, दो चीज़ें देगा। ठीक है जी, और ठीक है जी, लेट फी और प्लस जो टैक्स पेबल था, ये दो चीज़ें ही बंदा अदा करेगा अगर वॉलेंटरीली इसने अपना रिटर्न रिवाइज कर दिया है तो। दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा जी, एक बंदा है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ टैक्स पेयर डिपॉजिट्स द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, एज पॉइंटेड आउट बाय द कमिश्नर ड्यूरिंग द ऑडिट। अब ऑडिट हो गया और कमिश्नर ने कहा कि भाई तुमने टैक्स नहीं पे किया, और वो बंदा जो है वो टैक्स पे कर रहा है, ऑन और बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122। लेकिन इसको अभी नोटिस जो है वो नहीं आया सेक्शन 122 के तहत, ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी एवेडिड, द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड 25% ऑफ पेनल्टीज लेवियबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस अलॉन्ग विद द रिवाइज रिटर्न। तो ये बंदा चार चीज़ें सबमिट करेगा। नंबर वन वो ये सबमिट करेगा कि ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी एवेडिड, जो उसका टैक्स पेबल रहता था वो अदा करेगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज यानी लेट पेमेंट के लिए जो उसके ऊपर फाइन हुआ है वो अदा करेगा, और 25% ऑफ पेनल्टी वो पे करेगा जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत उसके ऊपर लगाई गई है। ठीक है, तो सज़ा जो है उसका 25% ये बंदा अदा करेगा। ठीक है जी, पेनल्टी क्या है? पनिशमेंट। तो पनिशमेंट यूजली फ़ाइन की सूरत में होती है, तो वो फ़ाइन जो है वो बंदा जो है वो अदा करेगा, उसका 25% अदा करेगा अगर वो सिर्फ फ़ाइन है। देन ठीक है जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ टैक्स पेयर रिवाइजेज द रिटर्न आफ्टर इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122। अब बंदे को आ गया है शो काज नोटिस और सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 के तहत, ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी वेटेड डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड 50% ऑफ लेवेबल पनिशमेंट। तो ये जो बंदा है ये तीन चीज़ें लाजमी रिटर्न कर जमा करवाएगा। पहले ये रिटर्न रिवाइज रिटर्न जमा करवाने से पहले ये बंदा जो भी टैक्स पेबल था वो अदा करेगा, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो जुर्माना हुआ वो अदा करेगा, प्लस 50% ऑफ पेनल्टी यानी जो सज़ा है उसका 50% ये पे करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये रिवाइज रिटर्न अपना फाइल करेगा। देयर आफ्टर द शो काज नोटिस शैल स्टैंड एबेटेड, यानी कि शो काज नोटिस फिर ख़त्म हो जाएगा जब वो ये बंदा ये चार काम कर देगा। सेक्शन नंबर सॉरी सब सेक्शन 7, एवरी रिटर्न परपोर्टिंग टू बी मेड और साइंड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन ड्यूली मेड बाई द पर्सन और विद द पर्सन अथॉरिटी अनटिल द पर्सन प्रूव्स कॉन्ट्रेरी। यानी कि जो भी बंदा रिटर्न फाइल करता है या किसी को कहता है कि मेरा रिटर्न फाइल कर दो, वो यही तसव्वुर किया जाएगा कि इस बंदे ने खुद ये रिटर्न फाइल किया है, अनलेस के ये बंदा इस चीज़ को साबित कर दे कि मैंने ये रिटर्न खुद से फाइल नहीं किया। ठीक है जी, तो आपने जब भी रिटर्न किसी से फ़ाइल करवाना है ध्यान से करवाना है ताकि वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ उसके अंदर ना करे कि कल कलां आपको इनकम टैक्स वाले जो हैं वो कॉल करके बुलाएं और आपको वहाँ पे जवाब दे होना पड़े। ठीक है जी,